जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मतलब हर वक्त तकलीफ देने वाली चिंता जो जनरलाइज है, हर बार होती है, उसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक बीमारी है और इसमें होता क्या है कि उसको, वो व्यक्ति को काफ़ी सारी चिंता लगी रहती है और वो हर बार लगी रहती है। हर बार उसको नकारात्मक विचार आएंगे, हर बार वो निगेटिव ही सोचेगा, हर बार चिंता करेगा और जो भूतकाल में हुआ है वही भविष्य में होने वाला है ऐसा उसको लगता है और वो सब नकारात्मक चिंता ही रहे। मतलब घर में आदमी आया नहीं तो जल्दी क्यों नहीं आया, एक्सीडेंट हुआ होगा क्या, और कुछ हो गया क्या, नहीं नुकसान हो जाएगा, धंधे पाने में नुकसान हो जाएगा, धंधा बड़ा मत करो अभी तो, मतलब हर बार वो देखेगा कि निगेटिव कहाँ है और चिंता कि वो काम सक्सेसफुल होगा ही नहीं। उसके प्रमुख लक्षण जो है वो ऐसे है कि व्यक्ति को बहुत बेचैनी रहती है, रेस्टलेसनेस है और वो एक जगह बैठेगा भी नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर, एक जगह टिकता नहीं है, बहुत घबराहट रहती है, ऐसा उसको मतलब ऐसा शांत नहीं रहता, ऐसा बहुत भर भर के आता है, ऐसा उसकी उसका सीना भर भर के आएगा, उसको पाल्पिटेशन रहेगा, हाथ ऐसे थर थर कांपेंगे या पसीना ज़्यादा आते रहेगा और वो जल्दी थक जाता है। थोड़ा भी कुछ होगा कि थक जाएगा, बहुत ज़्यादा स्फूर्ति नहीं है, उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है, उसमें वो व्यक्ति एकाग्र चित्त नहीं रह सकता कि भाई कॉन्सेंट्रेट करेगा कोई एक पॉइंट के ऊपर या एक काम के ऊपर, नहीं ऐसा नहीं होगा, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और उसको कभी कभी लगता है कि अपना दिमाग पूरा खाली हो गया, ब्लैंक हो गया, ऐसा उसको लगता है, पूरा मन खाली हो गया, दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया ऐसा लगता है। ये व्यक्ति बहुत इरिटेबल रहता है, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात के ऊपर चिड़चिड़ापन, अपने मन जैसा होने की चिड़चिड़ापन, और उसको लगता है कुछ भी बुरा हो जाएगा और उसके मन जैसा ही होना चाहिए और नहीं हुआ तो वो चिड़चिड़ापन करेगा, इरिटेबिलिटी रहती। फिर स्नायु में तनाव रहता है, पूरे मसल जो है बॉडीली मसल स्नायु, तो उसमें ऐसा तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। और जब स्नायु, समझो मेरा हाथ ऐसा है, अब ये पूरे हाथ की जो स्नायु है, मसल्स है, समझो ऐसे तनाव में रहेंगे दिन भर, नेचुरली हाथ दर्द करेगा, पूरी बॉडी तनाव में रहती है और फिर उसको दर्द भी होते रहता है, पूरा जूस शाम तक निकल जाता है, गारंटी वारंटी पूरी ख़त्म हो जाती है और थकान की वजह से फिर कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, उनको नींद नहीं आती है और नींद एक तो जल्दी आती नहीं है, जल्दी नींद आ गई तो बीच में उड़ जाएगी, या फिर सवेरे उठने के बाद में फ्रेश लगता नहीं है और उसको लगता है कि मतलब फटाक से नींद खुल जाएंगे, उसको लगेंगे अरे नींद नहीं हुई और सुबह हो गई क्या, सपने बहुत आएंगे। तो इस तरह से ये प्रमुख लक्षण है। और इसमें क्या होता है कि हरदम ऐसा रेस्टलेस रहना और हरदम कुछ तो भी हो जाएगा ऐसा उसको लगता है, अभी यहाँ आया कहाँ से। एक तो क्या है कि परवरिश में ऐसा होता है, मतलब फैमिलियल टेंडेंसी, जैसे माँ बाप ऐसे थे, वो सीख गया माँ बाप से और ऐसा एंग्शियस पर्सनैलिटी बन गई और एंग्जाइटी डिसऑर्डर चालू हो गई, नंबर एक। या अतीत में ऐसा कुछ तो भी हुआ अतीत में कि जिसके वजह से उसको लगता है कि फ्यूचर में भी ऐसे हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट जब हम करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या हिप्नोथेरेपी से, तो उनको ये बार बार उनको हम समझाते रहते हैं, उनको प्रेजेंट करवा के देते हैं कि जो भी हुआ वो अतीत में हुआ, भविष्य में हुआ है, उसको आप बार बार फ्यूचर में ला रहे हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, 4-5 साल का बच्चा बिल्कुल ही टेंशन वाला नहीं था, मस्त खेलता था, कूदता था, कुछ भी करता था, बाद में कुछ तो भी घटना हुई और वो घटना के कारण एकदम बैठ गया, धसका बैठ गया या धड़कन बढ़ गई, कुछ तो भी हुआ, उसको लगा नहीं अभी अपन मर जाएंगे या कुछ तो भी गलत हो जाएंगे और वहाँ से उसकी एंग्जाइटी चालू हो गई। तो वो अतीत का अतीत में रखो, उसको फ्यूचर में मत लाओ, भविष्य में मत लाओ। और बहुत ज़्यादा होता है ये, तो फिर कुछ दवाई हम देते हैं कुछ दिन के लिए, और दवाइयाँ जब देते हैं, जब कभी कभी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है तो जबान के नीचे रखने के लिए दवाई देते हैं और वो दवाई लेते हैं तो उसको ज़रा काम डाउन लगता है। प्रॉब्लम यह है कि उसको थोड़ा सा सेडेशन आता है, अभी ऐसी भी दवाई आ गई कि जिसका सेडेशन नहीं आता, मतलब नींद नहीं आती है। बेस्ट यह है कि उसको हिप्नोथेरेपी, मतलब सम्मोहन उपचार, विजुअलाइजेशन, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इससे पूरी राहत मिल जाती है। हो सकता है कि ये सब बिना दवाई की जो ट्रीटमेंट है उसको टाइम लगता है, मगर ये परमानेंट क्योर हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।